नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3.2 शुरू किया था, आज हम उसका पार्ट 2 मतलब उसके बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कवर करने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में अभी तक क्या क्या काम कर लिया है, पहले एक बार उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या किया था हमने? मैट्रिसेस का एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीपल किया था, और क्या क्या था अभी फिलहाल कुछ नहीं। यही तीन टॉपिक हमने कवर किए थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आज इसी के बेस्ड पे कुछ दो चार नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को करना है। अच्छा, लास्ट क्लास का रिस्पांस बच्चों का बहुत अच्छा रहा, काफी सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों का रिस्पांस ऑनलाइन में भी इतना अच्छा आ रहा है कि वो अपना होमवर्क कवर करके मेरे तक पहुंचा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे प्रॉपर तरीके से होमवर्क करके मुझ तक पहुंचा रहे हैं तो उन्हें ये फिक्र है कि हाँ जी, 12th में हमें बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी मुझ तक होमवर्क नहीं पहुंचा रहे हैं, तो सभी बच्चों से ये आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर कि प्लीज होमवर्क घर पे करिए, और जब होमवर्क घर पे करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बता रखा है, कहा है कि जैसे ही ये चैप्टर ओवर होगा, तुरंत आपका चैप्टर का टेस्ट आपके vastudy.com पर आ जाएगा, और वो टेस्ट आपको ऑनलाइन फिल करके उसकी फोटो उसमें अपलोड करनी है, जो मैं उस चेक करके आपको हाथों हाथ बता दूंगा नंबर कि आपके कितने मार्क्स रहे हैं। तो प्लीज बच्चों, सभी इस पे फोकस करें, क्योंकि चैप्टर खत्म होते ही आपको हमारी वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसलिए सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे, और अब मैं जो क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। हाँ जी बच्चों, तो आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है। ए मैट्रिक्स आपके पास है 804-236, और बी मैट्रिक्स है आपके सामने 2-2, 4-2, -5 और 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमें वैल्यू एक्स की निकालनी है, यानी ये एक्स भी कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा बच्चों, और उसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करें? तो एक सिंपल सा काम करना है हमें, कुछ नहीं, ये जो प्लस का 2a दिखाई दे रहा है ना आपको, इसे उठा के उस तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 5b-2a। ठीक है बच्चों, अब ये है 3x 5, जो b की वैल्यू है यानी मैट्रिक्स है वो सारे इधर पुट कर दो आप, कर दिया। अब -2a मैट्रिक्स पुट कर दो आप, 8, 0, 4, -2, 3 और 6। प्यारे बच्चों, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 10-10, 20, 10, -25 और ये 5, माइनस ये करोगे 16, 0, 8, 4, 6, 12। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 10-16 तो क्या बनेगा, ये -6, -10 0, माइनस का 10, 20-8 12, 10। अब देखो बच्चों, फिर से वही माइनस माइनस प्लस, 10 और 4 14, -25 -6। तो बच्चों आपको पता ही बता रखा है मैंने कि माइनस का नंबर और माइनस का नंबर आपस में ऐड करता है, क्योंकि जब साइन सेम होते हैं तो वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज। इट्स मीन -31 और 5-12 तो यानी -7, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। तो प्यारे बच्चों, 3 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके क्या करेगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1/3 -6 -10 12 14 -31 -7। बच्चों, अगर ये सारे कट रहे होते तो हम इस 3 को अंदर लेके जाते, लेकिन यहाँ पे एक दो डिजिट्स हैं जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे, तो इसका मतलब एक्स मैट्रिक्स आपका ये फाउंड हो गया है। ठीक है बच्चों, तो देखो इतना सिंपल सा काम करना है, मतलब अब तक जो आप पहले करते आए थे ना
वही सेम चीज करनी है आपको, बस क्या है जिस तरीके से आपने जो बेसिक कैलकुलेशन पीछे की क्लासेस में किए थे वही अप्लाई करना है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म, इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है 3.2 के 7th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम इसी का ही वर्जन है, लेकिन ये थोड़ा अलग है तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। और जब ये कर लेंगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी है। अच्छा बच्चों करना कैसे, ये देखो आपके सामने ये एक इक्वेशन टाइप बना दी गई है ये। अब इसमें से आपसे कहा जा रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। अब सीधी सी बात है, हम मैट्रिक्स का चैप्टर कर रहे हैं तो एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो भी किस में निकलेगी, मैट्रिक्स में निकलेगी। तो किया क्या जाए, तो सिंपल जैसे अब तक करते आए हैं आप लोग छोटी क्लासों में कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड। और अब आप यहां पे इक्वेशन फर्स्ट ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 2x+3y+3x+2y ऐड कर दिया। अब इसको भी जब इधर इधर के सारे ऐड हो रहे हैं तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के भी सारे ऐड होंगे। चलिए बच्चों 2 3 5x 3 2 5x 5y ऐड कीजिए, 2 2 4 3 2 1 4 -1 3 0 5। ठीक है बच्चों, 5 कॉमन आ गया, x+y 4 1 3 5 5 या मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके बच्चों डिवाइड। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x+y की। अब जिस तरीके से x+y निकाला आपने, x-y भी निकाल दीजिए भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट ओ सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x+3y -3x+2y = 2340 -2 -2 -1 5। चलिए हाँ जी, तो क्या बन जाएगा, 2x-3x - x, 3y-2y+y = हाँ जी 2-2 0, 3 -2 या एक काम कीजिए ना, मैं यहां पे लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, बच्चों माइनस कॉमन ले लेना x-y, यह मत लो कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 0, 3 -3 2 5, 1 -1 +4 5, हाँ जी और ये माइनस का 5। ठीक है जी, चलिए तो हमारे पास वैल्यू आ गई -x+y की वैल्यू आ गई क्या, 0 5 5 -5। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये कि हम इनको आपस में भाई क्या सॉल्व करेंगे, इक्वेशन एज अ थर्ड इक्वेशन एज अ फोर्थ। तो यहां तक नोट कीजिए फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। ठीक है चलिए, यहां तक का आपने नोट कर लिया होगा, अब देखिए जरा आगे, ये हमारे पास x+y, ये हमारे पास x-y। ठीक है अब क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसे थर्ड मानेंगे और इसे फोर्थ मानेंगे। ठीक है जी, चलिए तो x+y = 1/5 4 1 3 5, ठीक -x -x+y = 0 5 5 -5। ठीक है जी,
चलिए सॉल्व कर देंगे इसे, सॉल्व कर देंगे। x प्लस माइनस कैंसिल आउट, वाई वाई 2y, इसे भी ऐड करेंगे तो अंदर पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 बाय 5, 1 बाय 5, 3 बाय 5, और 5 से 5 कट गया 1, प्लस 0, 5, 5 माइनस 5, हाँ जी 2y ऐड कीजिए तो 4 बाय 5, 1 बाय 5 तो कितना 26 बाय 5, अब ये कितना बन जाएगा, ऐड कीजिए 28 बाय 5, हाँ जी फिर ऐड की ये क्या ना ऐड करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, y की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों अब हम इसको आगे जैसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं इसे, बच्चे सॉल्व कीजिए इसको। अब ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 4 बाय 5, 26 बाय 5, 28 बाय 5 माइनस 4। चलिए बच्चों डिवाइड कीजिए इसको, जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 से 4 कटेगा 2 बाय 5, 2 से 26 कटेगा 13 बाय 5, 2 से 28 कटेगा 14 बाय 5, और 2 से 4 कटेगा माइनस 2। लीजिए आपके पास वाई आंसर आ गया। सेम नाउ पुट वाई इन इक्वेशन, किस में भाई, किस में पुट करना चाहोगे, मान लीजिए हम सेकंड में पुट करना चाहेंगे, इन इक्वेशन सेकंड। तो प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 5 5 -5, यही दिया हुआ है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, खत्म कहानी। माइनस एक्स प्लस का वाई भी उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, उस तरफ जाके माइनस का वाई बन जाएगा, सही बात है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, माइनस का एक्स बराबर 0 5 5 -5 माइनस वाई की वैल्यू बच्चों 2 बाय 5, 13 बाय 5, 14 बाय 5 माइनस का 2। चलिए सॉल्व कीजिए, 0 माइनस 2 बाय 5 -2 बाय 5, 5 माइनस 13 बाय 5, तो कैसे होगा सॉल्व, 5 माइनस 13 बाय 5, तो 5 5 25, 13 5, तो कितना आ गया 12 बाय 5। इस तरफ 5 माइनस 14 बाय 5, तो कितना आ गया 11 बाय 5। 5 माइनस 2 तो कितना होगा, -5 माइनस -2, -5 माइनस -2, हाँ जी बच्चों। तो माइनस का 5, माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और माइनस 5 में से 2 जाएगा माइनस का 3। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, माइनस के एक्स की, लेकिन हमें तो एक्स चाहिए तो माइनस को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, माइनस का 2 बाय 5, 12 बाय 5, 11 बाय 5 माइनस का 3। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इसे बना देगा प्लस, इसे बना देगा माइनस, इसे बना देगा माइनस, इसे बना देगा प्लस, और इस तरीके से आपके सामने एक्स भी आ गया और इस प्रकार से आपके पास वाई का आंसर भी आ गया। तो एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स हमारे पास ये दो है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड पार्ट मैंने आपको करा दिया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बस आपको ट्राई करना और खत्म होता चला जाएगा इस तरीके से। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक थोड़ा सा अलग है। इसमें मुझे एक पहले आपको नए टाइप की मैट्रिक्स के बारे में बताना पड़ेगा, वो मैट्रिक्स क्या है जरा ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों देखेंगे जरा, अब मुझे आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स के बारे में बात बतानी है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है,
स्केलर मैट्रिक्स होता है, रॉ मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन अभी जो मुझे बताना है वो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है मुझे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे बच्चों हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब बच्चों इसे आई से तो डिनोट करते हैं हम लोग, लेकिन अभी आपको फिलहाल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़नी है उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? एक ऑर्डर आपको पढ़ना है 2x2 का, और एक ऑर्डर आपको पढ़ना है 3x3 का। अच्छा, ऑर्डर जो आपके पास 2x2 का है वो कुछ इस तरह से लिखा दिखेगा, 1001, ठीक है। और ऑर्डर जो आपको 3x3 का दिखेगा उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है जी। ये डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, आपको डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स भी कुछ इस टाइप को देखने ही मिलेंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत है। तो आप उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देख लीजिए कि ऑर्डर 2x2 में ये रहेगा 1001, जबकि 3x3 में 1000010001 ये रहेगा। अब इन मैट्रिक्स के कंडीशंस को उठा के हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिनमें हमें मैट्रिक्स प्लस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। चलिए देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक ए मैट्रिक्स दिया है आपको, ए मैट्रिक्स दिया है आपको 201 टू वन माइनस थ्री, सॉरी प्लस थ्री ही है, और है 1-1 0। यह आपको ए मैट्रिसेस दिया हुआ है और आपसे कहा गया है फाइंड फाइंड ए स्क्वायर प्लस 5A प्लस 6i, सॉरी 5A माइनस का है। चलिए आपसे ये फाइंड करने के लिए कहा गया है कि फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6i, और आपको दिया क्या गया है? सिर्फ और सिर्फ ए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सिर्फ ए दिया हुआ है, आई इसके अंदर है, ऐसे कैसे करेंगे? तो बच्चों अभी 2 मिनट पहले आपसे बात हुई है कि आई कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर वाला लें या 2 ऑर्डर वाला लें? तो वो अकॉर्डिंग टू भाई जो गिवन मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब यहां पे जो हमें मैट्रिसेस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3x3 ऑर्डर का। जबकि भाई जब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ही 3x3 ऑर्डर का दिया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर का लेंगे? 3x3 ऑर्डर का ही लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट ए पुट किया जा सकता है, ठीक है। आई डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर वाली पुट की जा सकती है, लेकिन क्या ए स्क्वायर हमारे पास इनमें से कहीं पे भी है? ए स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं। तो जब ए स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है तो हमें करना क्या होगा? सिंपल, इस ए स्क्वायर को फाइंड करना होगा, इस ए स्क्वायर को फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई में ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? ए मल्टीप्लाई में ए। और एक ही काम करना है हमें, ए मैट्रिसेस को यहां पे पुट करना है और इसे आपस में बच्चों मल्टीप्लाई करना है, जो काम आप लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और एक सिंपल मल्टीप्लाई आपका इंतजार कर रही है, कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिन याद आ गए होंगे आपको,
ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टू को टू से, आगे वाले से फोर प्लस, बीच वाले को बीच वाले से जीरो, लास्ट वाले से वन, याद आया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाले से जीरो, सेकंड वाले से जीरो, लास्ट वाले से माइनस वन। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट वाले से टू, बीच वाले से जीरो, लास्ट वाले से जीरो। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से फोर, बीच वाले को बीच से टू, लास्ट से थ्री। सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट से जीरो, बीच से वन, लास्ट से माइनस थ्री। सेकेंड रोज थर्ड कॉलम, सेकेंड रोज थर्ड कॉलम, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से टू, बीच वाले को बीच से थ्री, लास्ट वाले को लास्ट से जीरो। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, जिस तरीके से आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ किया, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ किया, इसी तरीके से बच्चों अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वन को टू से टू, बीच वाले से माइनस टू, जीरो को जीरो, जीरो बीच वाला माइनस वन, माइनस वन वन, माइनस थ्री जीरो। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, किस प्रकार मतलब कैलकुलेट करना है, खत्म करना है इसे। जीरो फाइव माइनस वन टू, सिक्स थ्री नाइन, माइनस टू फाइव, जीरो माइनस टू, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस टू। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, ए स्क्वायर की। अब जैसा कि आप जानते हैं आपके पास ए स्क्वायर आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर नाउ, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स, आई की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, चलिए निकालेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी निकाली आपने, फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस टू माइनस टू, माइनस फाइव ए, फाइव ए, ए कितना है, टू जीरो वन, टू वन थ्री, वन माइनस वन जीरो। ठीक, और प्लस सिक्स आई, सिक्स आई, तो आई अंडरस्टूड होगा यहां पर, क्या होगा आई, कि जो गिवन मैट्रिक्स होगा वही। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई यहां ऐसे कैसे अंडरस्टूड होगा, ऐसे कैसे, तो आप यहां पर चाहें तो पहले ये लिख लीजिए, और क्या लिखेंगे है ना, यहां लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज टेकन अकॉर्डिंग टू गिवन मैट्रिक्स। आप इस तरीके से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दीजिए। अब कहोगे सर एक बात बताओ, अब तक तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे या दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब यहां पे तीन तीन आ गया, कैसे करें? तो फटाफट यहां तक नोट कीजिए, अभी बताते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों आपने यहां तक का नोट तो कर लिया होगा, अब मैं आगे की बात अगर करूं, अगर आगे की बात करें तो देखिए, यहां तक तो आपके पास क्या था, ए स्क्वायर क्या था आपके पास, फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस टू माइनस टू। अच्छा, ये क्या था आपके पास, माइनस का फाइव, तो यानी फाइव था ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको, इतना तो कर ही सकते हैं हम कि भाई ये फाइव है, ये फाइव अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, कर देंगे टेन जीरो फाइव, टेन फाइव, फिफ्टीन फाइव, माइनस फाइव जीरो। अच्छा, और ये सिक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, सिक्स जीरो जीरो, जीरो सिक्स जीरो, जीरो जीरो सिक्स। ठीक है बच्चो, यहां तक का हो गया। चलिए, तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहां से, खत्म।
ठीक, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई पूरा सॉल्व होके यहां पर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? किसी को भी कोई समस्या? हाँ जी बच्चों, तो अब यहां तक तो हमने कर ही लिया है, ठीक है, यहां तक तो हमने कर ही लिया है। जब हमने यहां तक कर लिया, अब आगे क्या करेंगे हम देखेंगे। अब इन तीन में से किसी भी दो मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर दो, जो मन करे आपका, पहले किसी भी दो को सॉल्व कर दो। मान लीजिए हमने इन दो को सॉल्व किया, जरूरी नहीं है इन दो को करो, आप इन दो को भी कर सकते हो। तो पहले मैं माइनस वाला काम खत्म कर लेता हूं, चलिए। हाँ जी, फाइव माइनस टेन, माइनस का फाइव, माइनस वन माइनस जीरो तो माइनस का वन ही रहेगा, टू माइनस फाइव माइनस का थ्री, नाइन माइनस टेन माइनस का वन, माइनस टू माइनस फाइव तो ये तो प्लस हो जाएगा माइनस सेवन, फाइव माइनस फिफ्टीन तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन, जीरो माइनस फाइव माइनस का फाइव, माइनस टू माइनस माइनस तो प्लस का फाइव, लेकिन माइनस का टू है तो प्लस का थ्री, माइनस ये जीरो तो माइनस का टू। चलिए बच्चों, तो ये सॉल्व हो गया, बचा क्या? सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सिक्स। चलिए बात खत्म, अब इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो जब ये दोनों सॉल्व किए जाएंगे तो क्या बनेगा? ये सिक्स माइनस फाइव तो कितना आ गया? वन। माइनस वन, थ्री माइनस जीरो माइनस का थ्री, सिक्स ये माइनस का वन, सिक्स माइनस का वन, टेन माइनस का टेन, फाइव हाँ जी तो क्या बन जाएगा? माइनस का फाइव, थ्री तो क्या बन जाएगा? थ्री, टू और ये सिक्स तो यानी प्लस का फोर। और आपके लिए आंसर जो आया बच्चों, ये आ गया क्या? वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस टेन माइनस फाइव थ्री, और क्या आंसर आया बच्चों? फोर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, और हमारे सामने ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई की वैल्यू आ गई। अच्छा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन अब जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करना होगा, इसको सेटिस्फाई करना होगा कि पूरा सॉल्व होके ना ये मैट्रिक्स जीरो के बराबर आ रहा है। जीरो का मतलब समझ रहे हैं आप? जीरो का मतलब ये हुआ कि जितनी भी डिजिट्स है ना, ये जितनी भी डिजिट्स हैं ये सारी जीरो 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 हो जाएंगी, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे का मान लो सारी जीरो आ रही है और कोई एक जीरो नहीं आ रहा है, कोई भी एक डिजिट जीरो नहीं आ रहा है, तो उस केस में वो क्वेश्चन आपका गलत होगा। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, ठीक है। तो अब ये एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, तो आप उसको फटाफट देखिए और फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करा, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन है एक। ये देखिए, ए मैट्रिसेस दिया हुआ है आपको, वन जीरो टू, जीरो टू वन और टू जीरो थ्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है 3.2 का, ठीक है बच्चों। और आपको क्या प्रूफ करना है? यहां पे लिखा है प्रूव दैट। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड, लेकिन अब लिखा हुआ है प्रूव दैट। क्या है प्रूव दैट? ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई इक्वल टू जीरो। देख लीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल टू जीरो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इस बार जीरो लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है बच्चों? आपको एक सिंपल सा काम करना है। देखिए, सबसे पहले आपको यह तो पता चल गया होगा आई क्या लोगे आप। आई लोगे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, यानी कि आप जो सॉल्व करेंगे वो थ्री क्रॉस थ्री आइडेंटिटी वाला लेंगे, थ्री क्रॉस थ्री वाला आइडेंटिटी लेंगे। ए आपके पास है ही, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं, ए मल्टीप्लाई में ए क्यूब कैसे निकालते हैं? तो बच्चों ए क्यूब भी वैसे ही निकालते हैं जैसे ए स्क्वायर निकालोगे। अरे भाई, पहले आप ना ए स्क्वायर निकालो, क्यों? जो चीज नहीं होती है पहले वो निकालते हैं, और छोटे से शुरू करते हैं तब बड़े पे जाते हैं, ठीक है। तो आई हमें पता ही है क्या रखना है, ए हमें दिया ही गया है, ए स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालते हैं कैसे? ए क्रॉस ए करके कर लीजिए भाई, वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री, करना जरा मल्टीप्लाई बच्चों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आपको अच्छे से पता है, वन का वन से
जीरो का जीरो से, टू का टू से, वन का वन से, सॉरी वन का जीरो से, टू का जीरो से, टू का जीरो से, वन का टू से, जीरो का वन से, टू का थ्री से, ठीक है, जीरो का वन से, आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, जीरो का वन से जीरो, टू का जीरो से जीरो, वन का टू से टू, जीरो का जीरो से जीरो, टू का टू से फोर, और वन का जीरो से जीरो, जीरो का टू से जीरो, टू का वन से टू, वन का थ्री से थ्री। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो टू का वन से टू, जीरो का जीरो से जीरो, थ्री का टू से सिक्स, टू का जीरो से जीरो, जीरो का टू से जीरो, जीरो फिर जीरो, और ये क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हाँ जी, टू का टू से फोर, जीरो नाइन, तो इसका मतलब हमारे पास जो ए स्क्वायर आया वो आया 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास बच्चों, ए स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया तो हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। तो प्यारे बच्चों क्या मैं ए क्यूब को ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए नहीं लिख सकता क्या? अरे लिख सकते हैं भाई, ए क्यूब को ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए, क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, क्योंकि जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं होती वो वन तो होती है। तो बस यहां पर आप ए स्क्वायर पुट कर देंगे, 5 0 8 2 4 5 8 0 50 13, ठीक है, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 102 021 203, ठीक है बच्चों। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे बच्चों। तो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 5 को 1 से 5, 0 को 0 से 0, 8 को 2 से 16, 5 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 8 को 0 से 0, 5 को 2 से तो कितना आ जाएगा, 10 0 24, ठीक है, फिर 2 को 1 से 2, फिर 4 को 0 से 0, 5 को 2 से 10, 2 को 0 से 0, 4 को 2 से 8, 5 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, 4 को 1 से 4, और 5 को 3 से 15, 8 को 1 से 8, 0, और 13 दूनी 26, 8 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 0, अगला 8 को 2 से 16, 0 को 1 से 0, 13 तिया 39, बस ऐड कर दीजिए ए क्यूब आपके सामने, 16 5 21, 0 34, 12 8, 19 और 4 23, 26 और 8 34, 0 39 और 16, तो कितना हो जाएंगे बच्चों, 39 और 16 हो जाएंगे 55, सही बात है। तो ये आपके सामने आ गया क्या, ए क्यूब। अब बस कुछ नहीं करना आपको, ए क्यूब आ गया यहां पुट कीजिए, ए स्क्वायर आ गया यहां पुट कीजिए, ए आई पुट करके सॉल्व कर दीजिए। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे सॉल्व होकर देखना, आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे, जहां पे हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, 0 0 0 दिखाई देगा, और इस तरीके से आप प्रूफ कर पाएंगे कि ये मैट्रिक्स की जो इक्वेशन है किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है बच्चों। चलिए अभी होमवर्क दिया जाएगा आपको, वो एक देख लीजिएगा। तो बच्चों ये नोट तो हो गया होगा सभी बच्चों का, और अब आपको शायद पता ही है क्या करना है, ये सारा नोट कर लिया आपने। नोट करने के बाद बच्चों अब आपको ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए और आई यहां पे पुट करना है, और पुट करके क्या करना है, ये सारी चीजें कवर करके 3.2 आपका खत्म हो चुका है बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया लेकिन मैं उसे अभी नहीं कराऊंगा, उसे मैं थोड़ा सा भी टेक्निकली उसे अभी नहीं कराऊंगा, हाँ चैप्टर खत्म होने से पहले पहले मैं उसको जरूर कवर करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की याद दिलाऊंगा मैं आपको, कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने 11th क्लास में फॉर्मूले याद किए थे, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, 3.2 आपका खत्म हो चुका है। आप घर से ये सारा होमवर्क मुझे सेंड करेंगे करके, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, फिर से लिख देता हूँ, 7503947049, मुझे सभी बच्चे अपना होमवर्क सेंड करेंगे इस नंबर पर, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 जिसमें
स्क्यू मैट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। चलिए, बाय, टाटा, शुभ रात्रि।